हमारे जिले की जो जिलाधिकारी हैं श्रीमती शैलवा कुमारी जी उनके संज्ञान में हम इस बच्चे की बात को डालने का प्रयास करेंगे और यकीनन वो चूंकि महिला हैं, वो कोमल हृदय हैं, इस बच्चे की बात को बढ़ाएंगे और जिन टीचरों ने बच्चे को शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया है, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखने का जो प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। जिला मुख्यालय से यानी जिला मुख्यालय और कमिश्नरी, अलीगढ़ की कमिश्नरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर और जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर ये बालक बैठा हुआ है और इसके शिक्षा के अधिकार से इसको वंचित किया जा रहा है। दूर दराज की तो बात ही क्या होगी, इसका आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। तू मुझे और क्या देगा, बस मेरी मुश्किलें बढ़ा देगा। मुश्किलें तो मेरा मुगत्तर है, तू नहीं देगा तो कोई और देगा। सर बहुत दुख होता है मेरे को, मेरा भी बच्चा कुछ अच्छा होता तो कुछ करता, पढ़ता लिखता और कुछ बनता, शादी ब्याह करती, कुछ भी करती। इसको देख के तो मेरे को दुख ही होता है, और क्या होगा। ये चाहती हूँ कोई इतनी मदद कर दे, ये पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए, बैठा बैठा कुछ भी कंप्यूटर वगैरह कुछ भी चला लेगा, भाग जा नहीं पाएगा, आ नहीं पाएगा तो घर में बैठे भी कर सकता है कुछ भी। मैं तो यही चाहती हूँ इसकी इतनी मदद हो जाए कि ये पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। पता नहीं कितनी जिंदगी है बेचारे की, कोई पता है कि कितनी जिंदगी है इसकी। सर कोई नहीं देता, सब झूठे को बोलते हैं, उस टाइम तो बोल देते हैं, फिर कोई कुछ नहीं करता। ये अभी बैठे थे, उन्होंने भी कहा था हमसे, तो इस दुकान के सारे रह रही थी, वो भी दुकान भी मेरी तो छिन गई। किसने छीन ली दुकान? सर वो पड़ोस में दुकान डाल ली ना उन्होंने, तो अब मेरी चलती नहीं है दुकान। मैंने कर्जा लेके डाली थी, 50,000 का ले रखा सर। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट ले रखा है, किस्ते मिलती है, सब बनता है यहाँ पर तो। लगता है सर मेरे बाद इसका क्या होगा, कौन इसको पानी देगा, कौन ही? ये तो जरा सा कुछ नहीं कर सकता, न यहाँ से यहाँ उतर सकता, न बेड पे से नीचे उतर सकता, टूट जाते हैं उस टाइम, ना खाना खा सकता, ना कुछ कर सकता, पानी भी नहीं पी सकता, क्या करूं सर, टेंशन तो बहुत है मेरे को। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अक्स निगार सहाफी यानी स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और मैं आज आ गया हूं अजब गजब समाचार के साथ, न्यूज के साथ। मेरे साथ हैं भाई रोहित जी, जिनकी उम्र लगभग 11 से 12 वर्ष के बीच है। तो भाई ठीक कह रहा हूं, तो मैं आपको छूना चाहता हूं। नहीं, मुझे नहीं छूना, मेरी हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूट जाती है? हड्डी टूट जाती है। क्या कह रहे हैं आप? क्या अरे वाह, क्या बात है, सच में कहते हो? साथियों ये बालक बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इसकी जो बीमारी है उसका नाम है ग्लास बॉर्न। जी हाँ, जैसे जिस तरीके से ग्लास हमारे हाथ से छूटकर गिर जाता है, चूर चूर हो जाता है, ठीक उसी तरीके से इस बालक रोहित की हड्डियों की यही प्रॉब्लम है। जो भी व्यक्ति इसको उठाएगा, मैं काफी डरते हुए बच्चे तक पहुंचा हूं, मुझे सख्त हिदायत दी हुई है कि इस बच्चे से हाथ ना लगाएं। अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो इसका ग्लास बोन यानी बच्चे की हड्डी चूर चूर हो जाएंगी और इस बच्चे को काफी कष्ट होगा। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम अभी आपसे साझा करेंगे। टॉफी निकाली, ये टॉफी चॉकलेट है, ये बेटा दुबई से हमारे दोस्त लाए थे, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या खाना पसंद करेंगे? हाँ? इस बच्चे को हमारे फ्रेंड थे कल्लू भाई, जिन्होंने मुझे नकवी पास पर ये चॉकलेट दी थी, और विशुद्ध खजूर से बनी हुई चॉकलेट है, और ये चॉकलेट जैसे ही बच्चा खाएगा, और यकीनन मेरा दीवाना हो जाएगा। आपको क्या लगता है? रोहित के घर की ओर, और जब वो इसका घर है जहाँ पर पैकिंग का काम होता है, शायद बॉक्स बनते हैं, उसके बाद में कुछ होल्डिंग्स है, स्पष्ट है कि एक छोटी मोटी परचूनी की भी दुकान होगी, और घर का हाल आप देख सकते हैं, काफ़ी अंधेरा सा है, लेकिन हम अंदर चलेंगे, अंदर चल के रोहित के परिवारी जन। तो साथियों मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, और एक शायर की एक पंक्ति है, इंसान से इंसान का वो भाईचारा, यही संकल्प हमारा, और हम चले चलते हैं रोहित के पास। ये जो छोटा बालक जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, इसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है और इसका नाम है रोहित। जी हाँ, नाम मैंने जैसा कि
पहले बताया था, नाम रोहित है और हम इससे बात करेंगे, पूछने की कोशिश करते हैं कि तेरे क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। और मैं चल नहीं पाता, मैं चल नहीं सकता, मैं बाहर नहीं सकता। मम्मी का और पापा का। अरे तुम तो काफी समझदार व्यक्ति माने पढ़ते हो, क्या उम्र बताई थी आपने? स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों? तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो बेटा, आपको पढ़ना चाहिए। मैं गया था, मेरी मम्मी लगी थी स्कूल में, पर हमने करके हमने भगा दिया था। फिर मैं स्कूल रात हुए, फिर मैं अपनी बहन से पढ़ता था, फिर मैं डरता नहीं हूँ, अब मैं अपनी बहन से पढ़ता हूँ। अरे मेरे लाल, तुम्हें किसने भगा दिया था अपमानित करके? अपमानित करके टीचर वाले लोगों ने, मेरा नाम नहीं लिया था स्कूल में। ये भारत है जहाँ के डॉक्टर अम्बेडकर साहब जन्मे थे, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को वोट बिल का अधिकार दिया और प्रत्येक जाति धर्म वर्ग के बच्चों को शिक्षित बनकर आगे बढ़ने का अधिकार दिया। वहीं उसी अंबेडकर के देश में ऐसे मासूम बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, जहां एक और विकलांग बच्चे को कहना बड़ा अपराध हो गया है, दिव्यांग नाम रख दिया। आखिर दिव्यांगों को अपमानित करने का कार्य सरकारी मुलाजिम कर रहे हैं, ऐसी ऐसे लोगों की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद क्या, फिर मैं पढ़ता था, फिर मैं एक बड़ा सा ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा उनको दिखाना चाहता हूँ मैं कितना बड़ा बन गया। बच्चे का हौसला देखते ही बन रहा है, अपमानित किया लोगों ने, इसने दिल पे ली बात और यकीनन जो दिल पे लेता है वो कुछ कर गुजरता है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया था। साथियों सभी लोग देख रहे होंगे अंबेडकर साहब का प्रोग्राम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग और युवा सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें परेशानियों का सामना करके शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। तो बेटा अंबेडकर साहब के अनुयायी क्या, तुम्हें इतना जोश और जुनून कैसे मिला, ये इतना गुस्सा इतना क्यों है तुम्हारे अंदर? आराम से बोलिए। मेरी बेइज्जती थी, टीचरों ने अपमानित कर दिया था। मेरी टीचरों ने अपमानित कर दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ, इतना बड़ा हूँ कुछ खाना चाहता हूँ, कौन हूँ मैं? आपने बहुत अच्छी बात कही और आपके जोश और जुनून के लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। तो आपके जो छोटे छोटे दोस्त हैं, छोटे दोस्त हैं आपके, बड़े बड़े लोग दोस्त हैं? छोटे छोटे बड़े बड़े सभी लोग दोस्त हैं। तो तुम पूरे दिन क्या करते हो, आपकी उम्र जैसा कि 10-11 साल बताई मुझे, कितनी उम्र है आपकी? साथियों बात चल रही थी विकलांग को दिव्यांग पर, जहां भारत सरकार ने विकलांगों को दिव्यांग दिखाने के लिए, उनकी महिमा मंडित करने के लिए पूरे प्रयास किए, वहीं दूसरी ओर बाल संरक्षण आयोग जैसे आयोग बना रखे हैं और वहाँ पर अलीगढ़ के बुढ़ियाबाग क्षेत्र में, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 6-6 विद्यालय हैं। उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ, विद्यालयों के नाम मैं बता दूँ। जिला प्रशासनिक अफसरान, शिक्षा विभाग के अफसर सुने, बालक विद्यालय 03 यानी 3 नंबर, बालक विद्यालय 40 नंबर, बालिका विद्यालय 27 नंबर और बालिका विद्यालय 1 नंबर। इसके साथ में कन्या जूनियर हाई स्कूल और वहीं पर कस्तूरबा गांधी, यानी शिक्षा का एकदम बड़ा एक समूह होना, शिक्षा की अलग जलाने का मानो प्रदेश सरकार ने संकल्प ले रखा हो, घर घर जाके बच्चों को बुलाएंगे। और आप देख सकते हैं इस बच्चे से बिल्कुल पूरे तरीके से मना कर दी, यहाँ तक हद हो गई कि जो बच्चों के जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनका भी हनन किया जा रहा है। ऐसे जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उन लोगों की मैं ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश, पूरा देश उनकी कड़े अल्फाजों में निंदा करता है। और बात करते हैं बच्चे से, जब बेटा तुम्हें स्कूल से भगा दिया तो फिर आपने क्या किया? जोर से बोलो। जोर से बोलता हूँ, पढ़ना है लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद बड़ा ऑफिसर बनेंगे। और जिन्हें जिन लोगों ने आपको अपमानित किया है उनको सबक सिखाना, और जो बच्चे कमाल हैं उनको पढ़ाने की बहुत।
क्या बात है, देख सकते हैं आप इस बच्चे का भाव, देखिए जो अशिक्षित बच्चे हैं उसको ये पढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं, उनको मैं पढ़ाऊंगा। इधर उनकी माता जी हैं शीला देवी जी, क्या नाम है आपका? शीला जी, आपकी उम्र क्या है? 45 वर्ष है। और बच्चे की उम्र? तो जैसा कि इस बच्चे ने हमको बताया कि इसको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे ये बच्चे? क्या हुआ इसको? मैं लेके गई थी, स्कूलों में लेके गई थी इसको नाम लिखने के लिए कि नाम खाली चलता रहा, ये बच्चा जाने लायक नहीं है, तो मैं इसको घर पर ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो नाम चलता रहेगा। लेकिन उन लोगों ने मुझे भगा दिया अपना करके, ऐसे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, इन बच्चों का तो और ही स्कूल होते हैं, वहाँ चले जाओ। तो उस स्कूल का उन्होंने क्या आपको पता दिया? आप गोला वाली गली में बताया था, हम वहाँ पर गए थे लेके इसको, लेकिन वहाँ पर भी मना कर दिया था कि यहाँ नहीं। जिला मुख्यालय से यानी जिला मुख्यालय और कमिश्नरी, अलीगढ़ की कमिश्नरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर और जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर ये बालक बैठा हुआ है और इसके शिक्षा के अधिकार से इसको वंचित किया जा रहा है। दूर दराज की तो बात ही क्या होगी इसका, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, इस तरीके का जो बच्चा आपका पड़ोसी है, क्या आपने इसको कहीं अप्रोच करी कि बच्चे को शिक्षित करें या पढ़ाने की कोशिश करें या स्वास्थ्य के विभाग से जाने की, स्वास्थ्य विभाग से मिलकर इसको स्वस्थ करने की कोशिश करें? मुझे तो अभी देखी से मालूम पड़ा है, इसलिए बच्चा पढ़ने के लिए गए थे पहले, उन्होंने मुझे आज ही बताया है कि हम लोग पहले गए थे, उन्होंने भगा दिया वहाँ से। तो अब पता चला है, आप क्या करेंगे? अभी उसमें एक्शन लिया जाए, कुछ वो करा जाएगा, और भी बात करेंगे। तो इस बच्चे की अभी हम जैसा कि शिक्षा के बारे में बताया, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। कितनी उम्र बताई थी आपने? 12 वर्ष। तो इस बच्चे की जन्म से ही ऐसा है या क्या? तो आपने किस स्तर तक इनके स्वास्थ्य परीक्षण कराए, इनका ट्रीटमेंट कराने का प्रयास? ये पैदा हुआ था उसके दूसरे दिन ही लेके मेडिकल चले गए थे हम, वहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह हुए, इसकी एक्सरे वगैरह हुए, तो वहाँ पे 3-4 जगह फ्रैक्चर आए थे इसके, तो डॉक्टरों ने बोला कि कोई हड्डी टूटने का रोग होता है, वो है इसके अंदर, ये कभी सही नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। फिर भी कई साल तक उन्होंने बुलाया था, मैं हर महीने इसको दिखाती थी वहाँ पर, उन लोगों ने कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं दिया ही नहीं, फिर मैंने जाना बंद कर दिया, मैंने बेकार किराया और खर्च होता है और रास्ते में इसकी हड्डी टूट जाती है, तो इसलिए ले जाना बंद कर दिया। तो इसकी हड्डी कैसे टूट जाती है? जरा सा बच्चा कोई पकड़ ले हाथ पैर तो टूट जाती है, अपनी मर्जी से लेट जाए तो टूट जाती है, कोई चीज उठा ले तो टूट जाती है, इसकी हड्डी बेकार है। चाहिए तो आपके इस बच्चे और क्या बच्चे हैं? 2 बच्चे और हैं मेरे। तो वो भी ऐसे? नहीं, वो अच्छे हैं। आपके परिवार में कोई खानदान में इस तरीके का? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो आप इस बच्चे को क्या अपने जीवन में, आपके जीवन में ये बच्चा क्या प्रभाव डालता है? सर मैं तो यही चाहती हूँ, पता नहीं कितनी जिंदगी है, ये पढ़ लिख ले कुछ बैठा बैठा कुछ कर लेगा जिंदगी में, पता नहीं कितने मोड़ आते क्या है, कोई रखेगा नहीं रखेगा, कोई इसका सेवा करेगा नहीं करेगा, तो मैं तो यही चाहती हूँ कुछ बन जाए तो कोई इसकी थोड़ी मदद कर दे तो सही है, पढ़ लिख जाए। आपने मदद के लिए कहाँ कहाँ जो बात आई हो, क्या वहाँ पर आपने पत्राचार के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया? नहीं सर, कोई कुछ बताता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है कहीं जाने आने की, किसी से कुछ कहने की। तो जो समाज के जो ठेकेदार थे, जो राजनीति की बात करें तो वोट के लिए अभी पिछले दिनों आपके पास बहुत सारे लोग आए हैं? हाँ वो तो सर आते ही हैं। पूरा मुझे यकीन है कि आपके समाज के भी लोग आए हैं। हाँ वो तो आते हैं। तो आपकी परेशानी में वो कहाँ सो गए थे, क्यों उन्होंने आपको जागृत नहीं किया? जानकारी है नहीं जी। और ये बालक जो है ये कौन है? मेरा भाई, छोटा। छोटा भाई है या पड़ोस है? नहीं भाई है मेरा। नहीं, इस दरवाजे में तो नहीं, यहाँ पड़ोस से आई है, ताऊ का बेटा। ताऊ का बेटा है, मतलब फैमिली डिवाइडेशन में अलग रहते हैं। तो अभी जैसा कि आपका बच्चा है और आपका ये भाई है चचेरा, दोनों में क्या अंतर समझ? ये चल लेता है और ये बोल भी लेता है, ये चल नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, बच्चों के भविष्य को अगर बात करी जाए
तो ये बच्चा ज्यादा आगे जाएगा या दोनों ही आगे जाने चाहिए हाँ। लेकिन जब शिक्षा का अधिकार नहीं मिला इसको तो कैसे जाएगा? मिलना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सारे आयोग खोल रखे हैं बच्चों के हितों के लिए, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे आगे जाएगा? आप गूंगे बहरे आला अफसरानों से क्या कहना चाहती हैं? सभी को वो मिलनी चाहिए मदद, सभी बच्चों के लिए, जो ज्यादातर अपाइज लोग हैं, सब लोग, छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं सबके। हमारे जिले की जो जिलाधिकारी हैं श्रीमती शैलवा कुमारी जी उनके संज्ञान में हम इस बच्चे की बात को डालने का प्रयास करेंगे, और यकीनन वो चूंकि महिला हैं, वो कोमल हृदय हैं, इस बच्चे की बात को बढ़ाएंगे। और जिन टीचरों ने बच्चे को शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया है, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखने का ख्याल किया है, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखने का जो प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग समाज के, देश के जिम्मेदार लोग जो सोए हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा उठें, अपनी नींद खोलें, अपनी आंखों के सामने जो पर्दा है उसको हटा के फेंक दीजिए। बहुत से लोगों की सेवा से ही अपना सच्ची भक्ति होती है, और ये तो मानिए प्रकृति का वरदान है। जहाँ एक और दिव्यांगों को महिमा मंडित करने से सरकारें, कार्यकर्ता लोग नहीं चुके, सैकड़ों हजारों एनजीओ यानी समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं, आखिर इन बच्चों का नंबर कब आए? इनके स्वास्थ्य का, इनके हितों का कौन ख्याल करेगा? मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस ओर देखेंगे। अगर जो भी इस ओर देखना चाहे तो ये अलीगढ़ के थाना क्षेत्र देहली गेट के निकट बुढ़िया बाग मोहल्ला है, वहां पर जो लकड़ियों के जो फर्नीचर वगैरह बिकते हैं ये वहीं पर उसी आबादी में बालक रहता है, जिसका नाम क्या नाम बेटा? जिसका नाम रोहित है। और रोहित अपने भाग्य के लिए, अपनी किस्मत के लिए कोस रहा है कि वो भारत जैसे देश में, जहां अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, सबके अधिकारों की बात करने वाले अंबेडकर साहब का प्रतिमा की रोजाना देखकर, वो उस छवि को देखकर प्रार्थना करता है कि बाबा साहब मेरा नंबर शिक्षा का कब आएगा? ये बहुत अफसोस।